अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। सिंप्लीफाई करें एक्सरसाइज 3.4। 5xy माइनस 6yz, फिर माइनस के बाद अगली ब्रैकेट में 8xy माइनस yz, फिर माइनस अगली ब्रैकेट में माइनस xy प्लस 3yz। देखिए इसमें कायदा ये, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको जो टर्म्स नज़र आ रही हैं उसमें एक एक्स वाई वाली टर्म नज़र आ रही होगी, एक वाई जेड वाली टर्म नज़र आ रही है, और बस एक्स वाई और वाई जेड वाली टर्म, यानी दो टाइप्स की टर्म है, कि एक्स वाई वाली, एक्स वाई टाइप वाली, और दूसरी है वाई जेड टाइप वाली। लेकिन हर ब्रैकेट में एक्स वाई और वाई जेड वाली टर्म मौजूद है। तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है अपनी साइन के साथ। इस ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है और यहाँ पर इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, इस ब्रैकेट से पहले भी माइनस साइन है। तो कायदा हमने ये सीखा था, याद करें क्लासरूम में, कि जब किसी ब्रैकेट को ओपन किया जाता है अगर उससे पहले प्लस साइन है, यानी प्लस साइन से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो उसकी टर्म्स की साइन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो उसी तरह रहती हैं। लेकिन जब आप किसी ब्रैकेट को माइनस साइन से ओपन करते हैं तो ब्रैकेट में अंदर मौजूद हर टर्म की साइनें बदल जाती हैं, माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस। मिसाल के तौर पर यहाँ ये पहली ब्रैकेट प्लस साइन से ओपन होगी तो इसका साइन प्लस है, चेंज नहीं होगा, इसका साइन माइनस है, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो ब्रैकेट है इससे पहले माइनस साइन है, जब इसे आप माइनस से ओपन करेंगे तो इसका साइन 8xy प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये yz माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस साइन की ब्रैकेट, माइनस साइन से ओपन होगी ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तवज्जो रहे, सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद पहले आप इसको ओपन करें तो 5xy वैसे ही रह गया, यूँ समझ लें प्लस 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 होता है तो 5xy, ये प्लस माइनस माइनस 6yz। उसके बाद इसे माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 8xy, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस yz। अब इस ब्रैकेट को माइनस से ओपन करें तो माइनस माइनस प्लस xy, फिर माइनस प्लस माइनस 3yz, ये होगा। इस तरह से आपने पहले मरहले में साइनें ओपन करनी। अब क्या होगा अगले मरहले में, देखिए नेक्स्ट मरहले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। आपको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जिसमें एक्स वाई बेस वाली टर्में अलग कर लेंगे और वाई जेड बेस वाली टर्म्स अलग कर लेंगे। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे गौर करें तो प्लस का 5xy, माइनस का 8xy और प्लस का xy, इन टर्म्स को पहले आप अलग कर लें तो देखें क्या हो जाएगा, 5xy माइनस का 8xy और फिर प्लस का xy, इनको आपने अलग कर लिया। ओके, इसी तरीके से आप वाई जेड वाली टर्म्स पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों को अलग कर लें तो प्लस साइन डालने के बाद फिर अगली ब्रैकेट में वाई जेड वाली टर्म्स को सेट करें। तो पहली कौन सी है, माइनस का 6yz, उसके बाद है प्लस yz, और उसके बाद है माइनस का 3yz। ओके, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है इसे, इससे आप इसे ओपन कर लीजिए, प्रॉपर्टी अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसे आपने सिंप्लीफाई करना है तो देखें एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ प्लस 5 है, यहाँ माइनस 8 है, और यहाँ कोफिशिएंट ना लिखा जाए तो 1 माना जाता है। तो इसको आपने रफली सॉल्व करना है। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ काम करें, रफ वर्क के अंदर आपने क्या करना होगा, पेंसिल से रफ वर्क किया जाएगा। तो पहले है प्लस का 5 और माइनस का 8, इन कोफिशिएंट्स को ऐड करें। तो प्लस 5 में माइनस 8 करने पर प्लस माइनस, माइनस 5 में से 8 नहीं आ सकता तो 8 में से 5 निकाल दो, 3 साइन बड़े नंबर की आएगी। उसके बाद फिर इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे, जब ये दोनों कोफिशिएंट्स ऐड हो गए तो अब उसमें प्लस 1 ऐड किया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 साइन आएगी माइनस की। तो फाइनली इन तीनों का जो एडिशन होगा वो माइनस 2 होगा, और एक्स वाई बेस को एक सवाल साथ में जोड़ के लिख देंगे। आइए जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझे, यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस का 6 और यहाँ कुछ भी ना माना लिखा हो तो क्या माना जाता है, 1, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट माइनस 3 है। तो पहले माइनस 6 और प्लस 1 को ऐड करें रफ वर्क में, तो माइनस 6 और प्लस 1 को अगर ऐड करें, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया, 5 साइन माइनस की होगी। उसके बाद फिर इसमें माइनस 3 जोड़ दो, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है जमा करेंगे, साइन बड़े नंबर की आएगी 5 की माइनस, तो इसका मतलब इसका अब माइनस का 8 होगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8, और साथ में वाई जेड जो बेस है उसको एक दफ़ा लिख देंगे, तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तमाम स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें,
अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ गया, स्टूडेंट्स लिख लें मेरे साथ साथ। क्वेश्चन 16 है, माइनस ब्रैकेट में माइनस 3x³। याद रहे पावर 3 को क्यूब पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे x के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इस पावर 3 को क्या पढ़ा जाता है बोलिए, क्यूब, CUB। प्लस 5y³ माइनस 6z³, फिर प्लस x³ माइनस 7y³ प्लस 8z³ माइनस x³ माइनस y³ माइनस 8z³। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो तीन टाइप की हैं, एक x³ टाइप की, एक y³ और एक z³। अब आपने पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर एक बेक जैसी बेस और पर वाली टर्म को साथ करना है, और फिर उन पर रफ वर्क करके उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। फाइनली देखें कैसे होगा, सॉल्व की हेडिंग डालें, सॉल्व की हेडिंग में पहले इस ब्रैकेट को माइनस से ओपन करें, तो जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो और माइनस से ब्रैकेट ओपन हो तो अंदर वाली साइनें चेंज हो जाती हैं। माइनस प्लस माइनस माइनस, देखें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3x³, तमाम छोटा छोटा लिखें ताकि एक लाइन में आ जाए, फिर माइनस प्लस माइनस 5y³, फिर माइनस माइनस प्लस 6z³ हो गया। अब इसको प्लस साइन से ओपन करेंगे तो इसके साथ प्लस है, प्लस साइन से ओपन करने पर साइनों पे कोई असर नहीं पड़ता। प्लस 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 x³ प्लस माइनस माइनस 7y³ प्लस 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 8z³। ओके, उसके बाद इस ब्रैकेट को माइनस से ओपन करेंगे तो अंदर वाली साइनें चेंज हो जाएंगी, इसके साथ प्लस साइन याद रहे लिखा नहीं आता। माइनस प्लस माइनस x³, फिर माइनस माइनस प्लस y³, फिर माइनस माइनस प्लस z³। इस तरह से आपने ब्रैकेट्स को पहले मरले में ओपन करना होता है। अब आपने क्या करना है, x³ वाली टर्म एक साथ कर लेंगे, y³ वाली टर्म्स एक साथ कर लेंगे और z³ वाली टर्म्स एक साथ कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, कौन कौन सी टर्म है पहले तलाश करो, प्लस 3x³, फिर प्लस का x³ और फिर माइनस का x³, इन सबको एक साथ कर लें। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, 3x³ माइनस प्लस x³ और माइनस का x³। उसके बाद y वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, माइनस का 5y³ माइनस का 7y³ और प्लस का y³। यहाँ प्लस साइन बीच में डालने के बाद पहले प्लस साइन डालेंगे, उसके बाद इन टर्म्स को लिखना है, माइनस का 5y³, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस का 7y³ और उसके बाद आएगा प्लस का y³। तो आपने y³ वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया। आखिर में बची z³ वाली टर्म, देखो और से कौन कौन सी है, प्लस का 6z³, प्लस का 8z³ और प्लस का z³, तो इनको आपने एक साथ करना है। तो देखें क्या हो जाएगा, प्लस साइन डाल के 6z³ प्लस का 8z³ और फिर आखिर में प्लस का z³, ये टर्म सारी एक साथ हो गई। यहाँ पर बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब देखें क्या होगा सॉल्व में, ये इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास जगह ख़त्म हो जाए तो आप नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें बीच में, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें क्या होगा, यस इसको सॉल्व करें, तो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1 है। तो इसको हल करने का आपको कायदा समझाया था कि जो कोफिशिएंट है प्लस 3 और प्लस 1 प्लस 4, प्लस 4 में से 1 गया तो प्लस 3। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा, प्लस 1 और माइनस 1, इसका प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, तो 1x³ और माइनस 1x³ कट जाएंगे डायरेक्ट, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे बोलें 3x³। सवाल इस तरह भी हल किया जा सकता है याद रहे। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इनको सॉल्व करें तो माइनस का 5 और माइनस का 7, पहले इन कोफिशिएंट्स को ऐड कर लें रफ में, तो माइनस 5 और माइनस 7 को अगर आप ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस 5 और 7 12, साइन माइनस की, उसके साथ फिर प्लस 1 कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 गया 11, साइन माइनस की आएगी जो बड़ा नंबर है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 11 और y³ साथ में। आखिर में ये देखें ये बचा, इसको सॉल्व करना, अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर प्लस का 6 और प्लस का 8 इसको ऐड करेंगे, इसके बाद जो जवाब आएगा उसमें 1, या चाहें तो आप डायरेक्ट ऐड कर दें 6 और 8 14, 14 और 1 15, तो 15z³ हो जाएगा, तो इसमें तो साइन का झगड़ा ही नहीं है, तो प्लस का 15z³, तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर, ये आपका जवाब होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तमाम स्टूडेंट्स से नोट कर लें प्लीज़।